नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ट्रैवल डायरीज में। दोस्तों, ये वीडियो 3 पार्ट में रहने वाला है, जिसमें हम नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और कुछ फेमस प्लेसेस देखने वाले हैं। सो दोस्तों, आज हम आ गए हैं गोवा ट्रिप के पहले पार्ट में और हम देखने वाले हैं गोवा का 31st नाइट सेलिब्रेशन, साथ ही में नॉर्थ गोवा के कुछ फेमस बीचेस और शाम को देखने वाले हम सनसेट व्यू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ गोवा का सबसे फेमस प्लेस और बीच जो है सुंकेरिम बीच और कैंडोलिम बीच। ये बीच पंजिम से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पब्लिक देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, ये बीच काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और क्लीन है और यहाँ पर आपको एगोड़ा फोर्ट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस बीच पे आपको काफ़ी ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए भी मिल जाएगा और इन लहरों की आवाज़ सुन के आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है और साइड में नारियल के पेड़ होने से आप अच्छी पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे बीच पे, जो है मीरामार बीच और ये पंजिम के पास है और रास्ते में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कैसीनोज देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, ये रहा मीरामार बीच। देखने में काफ़ी बड़ा बीच है लेकिन यहाँ पर पब्लिक कम ही आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी साफ बीच है और यहाँ पर बोट से राइड भी ले सकते हो, जो कि राइड करते हुए आपको काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये है पंजिम का फेमस प्लेस और इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज। इसका नाम है अटल ब्रिज, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने तीसरे बीच पे, जो है कोको बीच। रास्ते में आपको काफ़ी ज़्यादा कोकोनट के पेड़ देखने को मिल जाता है, जिससे इस लोकेशन की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोकोनट के पेड़ काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए इसे कोको बीच कहा जाता है। यहाँ पर पब्लिक बहुत कम विजिट करती है और इस बीच पे ज़्यादातर जो है आपको फिशर फिशिंग करते हुए देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब पहुँच चुके हैं फिर से सिंक्वेरियम बीच पे ब्यूटीफुल सनसेट मोमेंट कैप्चर करने के लिए। दोस्तों, इस बीच पे आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर सनसेट देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को और इस समुंदर की लहरों के साथ। अभी हम जा रहे हैं एगोड़ा फोर्ट के डाउन साइड में। यहाँ से आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत सनसेट देखने को मिलता है।
दोस्तों अभी हम आ गए हैं कलंगुट बीच पे और ये है 30 दिसंबर की इवनिंग की रात और आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आपको सैक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं सीटिंग्स अरेंजमेंट बैठने के लिए, जहाँ पे आप बैठ के आप अपना ड्रिंकिंग एंजॉय कर सकते हो और इस इवनिंग का शाम का जो मोमेंट है आप समुंदर की लहरों के साथ और भी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों अब हम चलते हैं बाघा बीच पे 31st सेलिब्रेशन के लिए और एंजॉय करते हैं गोवा का 31st नाइट। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पे आते हो। वंस इन अ लाइफ एक बार 31st नाइट जरूर गोवा में सेलिब्रेट करना, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसे लगा।